नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો આઈસીબી 24 ન્યૂઝ. જોઈએ આજના સમાચાર. વડોદરા શહેરના ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા અસાડી બીજે ભગવાન જગન્નાથની 42મી રથયાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દર વર્ષે ઇસ્કોન દ્વારા વિશ્વભરમાં 1000 થી વધુ રથયાત્રાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. વડોદરામાં પણ રથયાત્રામાં લાખો ભક્તો ઉમટી પડે છે. આ વર્ષે વડોદરામાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રામાં ભાગ લેવા માટે વિદેશથી ભક્તો આવી પહોંચ્યા છે. शहर में निकल से 42मी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वडोदरा शहर ना इश्कोन मंदिर द्वारा असाड़ी बीचे भगवान जगन्नाथ की 42मी रथ यात्रा नु भव्य आयोजन करवामां आव्युं छे. दर वर्षे इश्कोन द्वारा विश्वभर में 1000 थी वधु रथ यात्राओं आयोजन करवामां आवे छे. वडोदरा में पण रथ यात्रा में लाखों भक्तों उमटी पड़े छे. आ वर्षे वडोदरा में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में भाग लेवा माटे विदेश थी भक्तों आवी पहोंच्या छे. वडोदराना मेयर निलेश राठौर पहिंद विधि करीने रेलवे स्टेशन ने बपोरे 2:30 वागे रथयात्रा ने प्रस्थान करावशे. वडोदरा इश्कोन मंदिर ना अध्यक्ष बासु घोष सहित वडोदराना लाखों भक्तों रथयात्रा में उमटी पड़शे. आ वखते यूएस अने आयरलैंड सहित देशों में वडोदरा रथयात्रा में भाग लेवा माटे पहोंच्या छे. रथयात्रा बपोरे 2:30 कलाके वडोदरा रेलवे स्टेशन थी निकली ने सयाजीबाग, कालाघोड़ा, सलाटवाड़ा नाका, कोठी कचेरी, रावपुरा मुख्य मार्ग, जुबेली बाग, पद्मावती शॉपिंग सेंटर, सुरसागर, दांडिया बजार, खंडेराव मार्केट, न्याय मंदिर, मदन झापा रोड, केवड़ा बाग थईने पोलो ग्राउंड सामे बरोड़ा हाईस्कूल पास लगभग सांजे 8 कलाके पहोंचशे. इश्कोन मंदिरना संत नित्यानंद जीए जणाव्यु हतुं के दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण वडोदरा रेलवे स्टेशन थी 2:30 वागे रथयात्रा प्रस्थान करशे. मंदिर द्वारा 32-35 टन सीराना प्रसादनुं आयोजन करवामां आव्युं छे. रथना पाछळ भक्तोने प्रसादनुं वितरण करवामां आव्युं छे. पोलो ग्राउंड खाते रथयात्राणी पूर्णाहुति थशे. इस्कोन मंदिर खाते सांजे 5:30 वाग्याथी भक्तो आवशे त्यां सुधी भगवान जगन्नाथना भक्तो माटे प्रसादनुं आयोजन करवामां आव्युं छे. हाल केटलाक विदेशी भक्तो आव्या छे अने केटलाक भक्तो आववानी शक्यता छे. साथ ज भगवान जगन्नाथजीनी रथयात्राओं ठेर ठेर विविध मंडळो अने सोसायटीओ द्वारा स्वागत करवामां आवशे. परसों आषाढ़ी बीज के दिन में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव 2:30 बजे से रेलवे स्टेशन चालू होने वाले हैं. हम नम्र विनंती करते हैं आप सब भाविक भक्तों, बड़ौदा के नागरिक, कृष्ण भक्ति जो प्राचीन परंपरा के अनुसार सब लोग पालते हैं, आइए आने रथ खींचिए. जगन्नाथ रथ यात्रा कृष्ण बलदेव और सुभद्रा का द्वारका से कुरुक्षेत्र 5000 साल पहले सूर्य ग्रहण के लिए जो गेट थे उसी अनुरूप रथ यात्रा पूरी में 1000 साल से चलते हैं. कोरोना में 42 साल से इसी संस्था के पक्ष से चलते हैं. तो सबका स्वागत है. स्टेशन से जाएंगे रावपुरा, रावपुरा से सुरसागर, सुरसागर से दांडिया बाजार, खंडेराव मार्केट, लाल कोर्ट, भगत सिंह चौक और मदन झांपा रोड और समापन होगा 7:30 बजे बड़ौदा हाईस्कूल के सामने जो पोलो ग्राउंड के सामने है. आप सबका स्वागत है. आप ही के लिए है. भव्य हर साल होते हैं, इसी साल में भी हर साल जैसे होने वाले हैं. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा. और मैं पूरा 1100 एमबीए में प्रेत. तो आज तो इस कार्यक्रम में इसके बारे में एक प्रश्न आते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व क्या है. तो इसके बारे में ये तीन प्रस्ताव करते हैं. तो एक ही है कि ये जगन्नाथ का पानी नहीं है, वो गई विद्यमान है. दूसरा प्रस्ताव है कि उनको वास्तव में हम उनको वास्तव में समाज पाते हैं.